कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन चैप्टर नंबर वन। पहला क्वेश्चन आपके पास, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कॉन्स्टेंट थ्रू अ गिवन रीजन ऑफ स्पेस, इज द इलेक्ट्रिक करंट जीरो और नॉन जीरो इन द रीजन। क्वेश्चन का मतलब ये है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमारे पास सेम है एक रीजन के अंदर, तो क्या हमारे पास वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी या नहीं होगी। पोटेंशियल डिफरेंस सेम होने का मतलब ये है कि वी वन और वी टू सेम है। अगर हम दो पॉइंट्स ले लेते हैं उस फील्ड के दरमियान, कोई भी जो हमारे पास फील्ड है उसके दरमियान हम दो पॉइंट्स लेते हैं, तो उन दो पॉइंट्स के दरमियान में अगर हम नोट करें तो फील्ड अगर सेम है तो वी वन वी टू के बराबर आ जाएगा और डेल्टा वी हमारे पास जीरो के बराबर हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट का फार्मूला होता है वी इज इक्वल टू ई डी या ई इज इक्वल टू वी बाई डी। अगर मेरे पास वी या डेल्टा वी जीरो के बराबर है तो मेरे पास ये हो जाएगा ई इज इक्वल टू जीरो डिवाइडेड बाई डी, तो मेरे पास ई जीरो के बराबर आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो पोटेंशियल डिफरेंस अगर जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी वहाँ पर जीरो होगी। क्वेश्चन नंबर टू, एक्सप्लेन इफ अ पॉइंट चार्ज क्यू ऑफ मैथ एम इज रिलीज इन अ नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है कि नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, उसके अंदर हमने एक चार्ज क्यू को रिलीज कर दिया विथ फील्ड लाइन पॉइंटिंग इन द सेम डायरेक्शन, और उसी डायरेक्शन के अंदर आपके पास फील्ड लाइन है। क्या वो रेक्टिलिनियर मोशन बना होगा आपके पास जो चार्ज मूव कर रहा है उसका होगा या नहीं होगा। यस, क्यू विल मेक अ रेक्टिलिनियर पाथ, उसका रेक्टिलिनियर पाथ होगा इफ इट वेट इज नेग्लेक्टेड, अगर हम उसका वेट नेग्लेक्ट कर देते हैं। सिंस द फील्ड लाइन इज पॉइंटिंग इन द सेम डायरेक्शन सो द चार्ज क्यू विल मूव अलॉन्ग द लाइन। अब हमारे पास क्योंकि जिस डायरेक्शन में चार्ज फील्ड लाइन उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में चार्ज मूव कर रहा है, तो हमारे पास जो पाथ होगा उसका वो रेक्टिलिनियर पाथ होगा। ओके जी, क्वेश्चन नंबर थ्री, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज एंड एनर्जी, वोल्टेज और एनर्जी में क्या रिलेशन है। मोर प्रिसाइजली, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब वोल्टेज का मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस और एनर्जी का मतलब है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों में क्या रिलेशन है ये बताना है आपको। पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है, जब आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज को हम मूव करते हैं और एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक मूव करके लेके जाते हैं तो उसे हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। क्या कहते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। आमतौर पर हम जो पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं वो हमारे पास होती है एनर्जी जो चेंज होती है एक इलेक्ट्रॉन की जब उसको मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। अब हमने जब वर्क किया है तो वो जो वर्क हुआ है वो उस चार्ज के अंदर सेव हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। यानी अगर मेरे पास एक नीचे प्लेट थी पॉजिटिव प्लेट, ऊपर मेरे पास थी नेगेटिव प्लेट, और मैं नेगेटिव प्लेट से आपके पास एक नेगेटिव चार्ज को पॉजिटिव प्लेट की तरफ उसने ऑटोमेटिकली मूव करके जाना। लेकिन अगर मैं यही चार्ज नीचे से ऊपर की तरफ लेके जा रहा हूँ तो मैं इसके ऊपर वर्क कर रहा हूँ और वो वर्क इसके अंदर सेव हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। अच्छा जी, और इसका रिलेशनशिप होता क्या है, रिलेशनशिप है डेल्टा वी जो कि आपके पास है पोटेंशियल डिफरेंस वो बराबर है डेल्टा यू। डेल्टा यू का मतलब है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, और डेल्टा यू का जो यूनिट होता है वो जूल्स होता है और डेल्टा वी का जो यूनिट होता है वो होता है वोल्ट। वोल्टेज आर मेजर्ड बिटवीन टू पॉइंट्स। अब ये बताना है कि ऐसा क्यों होता है। वोल्टेज देखें, हमारे पास अगर हम उसकी डेफिनेशन लेते हैं तो वो डिफरेंस है दो पोटेंशियल डिफरेंस का, यानी आपके पास दो जगह पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के डिफरेंस को हम कहते हैं वोल्टेज। जब तक आपके पास दो जगह का डिफरेंस नहीं होगा तो हम उसको वोल्टेज नहीं कह सकते, क्योंकि हमारे पास वोल्टेज दो जगह के डिफरेंस को कहते हैं। अब अगर हमारे पास एक जगह पे 5 वोल्ट है और एक जगह पे 10 वोल्ट है तो उन दोनों के दरमियान जो वोल्टेज का डिफरेंस है वो 5 वोल्ट है। अगर एक जगह 10 वोल्ट है और एक जगह 0 वोल्ट है तो दोनों के दरमियान में 10 वोल्ट का डिफरेंस है। इसीलिए जब भी हम वोल्टेज की मेजरमेंट करते हैं तो दो पॉइंट इसलिए लिए जाते हैं कि एक हाई पोटेंशियल होगा और एक लो पोटेंशियल होगा, और उन दोनों के दरमियान जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो हमारे पास कहलाएगा वोल्टेज। इस वजह से वोल्टेज को हमेशा दो पॉइंट के दरमियान में मेजर किया जाता है। वोल्टेज बाय डेफिनेशन इज द डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू डिफरेंट ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो अनलेस यू हैव टू ग्रुप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एट डिफरेंट पॉइंट इन स्पेस यू डोंट हैव वोल्टेज। यू हैव प्रॉबली सीन बर्ड सिटिंग ऑन अ हाई वोल्टेज पावर लाइन, व्हाई दे डोंट गेट इलेक्ट्रोक्यूटेड, यानी उन्हें करंट क्यों नहीं लगता। इट इज बिकॉज दे आर ओनली टचिंग द पावर लाइन एंड नथिंग एल्स, उन्होंने सिर्फ पावर लाइन को टच किया और किसी चीज को टच नहीं किया हुआ। Until they also come in contact with something touching the ground, जब वो ग्राउंड को टच करेंगे और दोनों जगह पे पोटेंशियल डिफरेंस का फर्क आएगा तो उनके अंदर से करंट फ्लो करेगा, अदरवाइज उनके अंदर से करंट फ्लो नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर फाइव,
हाउ आर यूनिट्स ऑफ वोल्ट एंड इलेक्ट्रॉन वोल्ट आर रिलेटेड और हाउ दे आर डिफरेंट, दोनों में फर्क क्या है और दोनों में सेम क्या है, वोल्ट और इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वोल्ट हमारे पास क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट है, जो भी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ये दो पॉइंट्स के दरमियान एक एक वोल्ट का डिफरेंस होगा, कितने वोल्ट का, वन वोल्ट का। इफ वन जाउल ऑफ वर्क, अगर हम एक जाउल वर्क करते हैं एक चार्ज को, जिस जो चार्ज कितना है वन कूलम चार्ज को मूव करते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के दरमियान, अब दोनों पॉइंट के दरमियान वन वोल्ट का डिफरेंस है और हमने वर्क किया है कितना, वन जाउल, और कितने चार्ज को मूव किया, वन कूलम, तो हमारे पास वन वोल्ट बराबर आ जाएगा वन जाउल पर वन कूलम। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, देखिये इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपके पास अमाउंट ऑफ एनर्जी है, इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी। और जो कब मिलती है एक इलेक्ट्रॉन को, एक इलेक्ट्रॉन को तब मिलती है जब उसको हम एक्सेलरेट करते हैं फ्रॉम रेस्ट, अभी वो रेस्ट पे था फिर हमने उसको एक्सेलरेट किया, कितने पोटेंशियल डिफरेंस से, वन वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस से। जब हम उसको वन वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट करते हैं तो जो उसके अंदर एनर्जी आती है वो बराबर होती है वन जाउल, और वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.602 × 10⁻¹⁹ जाउल। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर के अंदर एमसीक्यू में भी ये पूछा जाता है। वोल्ट एंड इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज टू डिफरेंट यूनिट ऑफ डिफरेंट क्वांटिटी, ये दोनों दो डिफरेंट क्वांटिटीज की यूनिट्स है, एक एनर्जी की यूनिट है और एक वोल्टेज की यूनिट है। और ये दोनों इंटरलेटेड कैसे, इंटरलेटेड आपके पास वो जो फॉर्मूला था V इज इक्वल टू डेल्टा U डिवाइडेड बाय Q के साथ रिलेट करते हैं। इन व्हाट रीजन ऑफ स्पेस इज द पोटेंशियल ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज अफेयर इज सेम डेट ऑफ अ पॉइंट चार्ज, इन व्हाट रीजन डज इट डिफरेंट फ्रॉम द पॉइंट चार्ज। अच्छा देखिए हमारे पास एक हम कह रहे हैं पॉइंट चार्ज और एक हम कह रहे हैं यूनिफॉर्मली चार्ज अफेयर। यूनिफॉर्मली चार्ज अफेयर का मतलब ये है कि हमारे पास एक सफेयर है जिसके आउटसाइड पे हमारे पास क्या है, चार्ज है हर तरफ से, और एक हमारे पास पॉइंट चार्ज है जो कि हमारे पास इस जगह पे मौजूद है। अब इसकी भी और इसकी भी, दोनों की अगर हम इलेक्ट्रिक लाइंस ड्रॉ करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर हम ड्रॉ करें आउटसाइड और इनसाइड, आउटसाइड एंड इनसाइड, आउटसाइड तो इन दोनों का रिजल्ट सेम आएगा क्योंकि ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसकी लाइन भी इस तरह मूव कर रही है, इसकी लाइन भी इस तरह मूव कर रही है, लेकिन इनसाइड दोनों में फर्क आ जाएगा क्योंकि जब भी यूनिफॉर्मली चार्ज अफेयर होता है तो जो हमने वो जो गॉज़ेस लॉ का पहला जो वो पढ़ी थी एप्लीकेशन, उसमें हमने ये पढ़ा था कि इनसाइड अ चार्ज अफेयर देयर विल बी नो इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो इनसाइड जो पोटेंशियल है वो जीरो के बराबर है, और अगर इनसाइड पोटेंशियल जीरो के बराबर है लेकिन इसका जो एक सिंगल चार्ज है उसका इनसाइड पोटेंशियल जीरो के बराबर नहीं है तो दोनों के दरमियान में फर्क आ जाएगा, लेकिन आउटसाइड दोनों का रिजल्ट सेम आएगा। आउटसाइड दोनों का रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा। तो इसका आंसर ये है कि इनसाइड द चार्ज अफेयर दोनों के रिजल्ट में फर्क आएगा, एक का जीरो है एक का नॉन जीरो, और कितना है, वी इक्वल टू के क्यू बाय आर के बराबर। और दूसरा जो है आउटसाइड, दोनों का रिजल्ट सेम आएगा और दोनों का रिजल्ट किसके बराबर आएगा, V इक्वल टू के क्यू बाय आर। इस साइड पर आउटसाइड आपके पास क्या आ जाएगा, सेम, और अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, डिफरेंट। डिफरेंट। अच्छा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन उसमें हमारे पास ये लिखा हुआ है कि यूनिफॉर्मली चार्ज अफेयर की बजाय नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज अफेयर आ गए। नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज अफेयर होने की वजह से इनसाइड और आउटसाइड दोनों पोटेंशियल सेम नहीं रहेंगे, यानी ना अंदर रिजल्ट सेम होगा ना ही आउटर रिजल्ट क्या होगा, सेम होगा। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज एन इक्विपोटेंशियल लाइन एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल लाइन ऐसी लाइन होती है जो सेम पोटेंशियल लाइंस की या सेम पोटेंशियल पॉइंट्स का मजमू होती है, सेम पोटेंशियल पॉइंट के मजमुए को हम कहते हैं इक्विपोटेंशियल लाइन। और अगर हम एक चार्ज पार्टिकल को उस लाइन के ऊपर मूव करते हैं तो उसकी एनर्जी के ऊपर या उसके अंदर जो एनर्जी है उसके अंदर या पोटेंशियल के अंदर कोई भी चेंज नहीं आता,
कोई भी चेंज नहीं आता उसे हम कहते हैं इक्विपोटेंशियल लाइन। और इक्विपोटेंशियल सरफेस वो सरफेस होती है जो इक्विपोटेंशियल लाइन से मिलकर बनी होती है, जहां पर आपके पास ऐसी सरफेस जहां पर पोटेंशियल क्या होता है सेम होता है। पोटेंशियल सेम होता है का मतलब मैं आपको एक डायग्राम से समझाता हूं। ये हमारे पास कुछ फील्ड लाइंस हैं जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं। सेम रेडियस के ऊपर इन सब का जो रिजल्ट होगा, यानी अगर हम आर के बराबर ले लें और एक सर्कल ड्रॉ कर लें इसके, ये थोड़ी सी लाइंस आगे पीछे हो गई है, यहां पर एक दरमियान में एक पॉइंट है और उस पॉइंट से ये सारी फील्ड लाइन जनरेट हो रही है। अगर मैं एक सर्कल यहां पर ड्रॉ करता हूं जिसका रेडियस आपके पास सबका बराबर है, तो ये जो सरफेस बनेगी ये आउटसाइड, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी, क्योंकि इसके ऊपर हर लाइन का जो पोटेंशियल है वो क्या आएगा, सेम आएगा। इस वजह से ये कहलाएगी इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस। अरे क्वेश्चन नंबर 9 इसी से रिलेटेड है, और क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कैन डिफरेंट इक्विपोटेंशियल लाइंस क्रॉस ईच अदर, क्या डिफरेंट इक्विपोटेंशियल लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर सकती हैं? तो इसका आंसर ये है कि नहीं, जो आपके पास इक्विपोटेंशियल लाइंस हैं वो आपस में एक दूसरे को नहीं क्रॉस कर सकती। क्यों? क्योंकि एक पॉइंट के ऊपर इक्विप यानी जो पोटेंशियल होता है वो एक पॉइंट पर एक सिंगल वैल्यू होती है, एक पॉइंट पर दो वैल्यूज नहीं हो सकती पोटेंशियल की। इस वजह से डिफरेंट इक्विपोटेंशियल लाइन कैन नॉट क्रॉस ईच अदर। ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके पास इस साल बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10, वाटर हैज एन लार्ज डाइलेक्ट्रिक कॉन्टेंट बट इट इज रेयरली यूज इन कैपेसिटर, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एक बार पेपर में आने के बहुत ज्यादा चांस है। अच्छा देखिये, वाटर क्यों नहीं यूज किया जाता? कैपेसिटर के जो दो प्लेट्स होती हैं उनके दरमियान हम वाटर को यूज नहीं करते, क्योंकि वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं और वाटर के अंदर इम्प्योरिटी होने के भी चांस होते हैं। दूसरा, वाटर कोरोसिव है, कोरोसिव का मतलब ये है कि हमारे पास ये आपके पास उसकी जो प्लेट्स हैं उनको नुकसान पहुंचा सकता है। और एक और चीज, वाटर को अगर हम यूज करते हैं तो वो सेपरेशन के दरमियान फिल आउट हो जाता है और यहाँ के इलेक्ट्रॉन फ्लो करके दूसरी तरफ चले जाएंगे, यानी प्लेट्स अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, ये मेरे पास एक कैपेसिटर है जिसकी सिर्फ आपने दो प्लेट कंसीडर करनी है, एक प्लेट इस साइड पे है और एक प्लेट इस साइड पे। अगर मैं वाटर यूज करता हूँ तो हमारे पास यहाँ से जो नेगेटिव चार्जेस है वो मूव करके कहां तक चले जाएंगे, पॉजिटिव प्लेट तक। अगर वो मूव करके चले गए तो हमारे पास तो चार्ज सेव ही नहीं हुआ, इस वजह से हम वाटर को यूज नहीं करते। वाटर के अंदर दूसरी चीज, इम्प्योर सब्सटेंसेस हो सकते हैं। तीसरी चीज जो हमारे पास वाटर का है वो ये है कि जो प्लेट्स जो हम यूज कर रहे हैं वो उसके साथ रिएक्शन करके उनको क्या कर देगा, कोरोसिव कर देगा, यानी उनके ऊपर जंग लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, अ कैपेसिटर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद अ रेजिस्टर एंड आर चार्ज, एक्सप्लेन व्हाई द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर डिक्रीजेस व्हेन द टाइम ड्यूरिंग द चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस क्यों कम होता जाता है जब हमारे पास टाइम बढ़ता जाता है? देखिए, हमारे पास ये आपके पास जो डायग्राम है इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, तो डायग्राम में आपको नजर आ रहा है कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि इस रेजिस्टर से होकर इस कैपेसिटर के अंदर स्टोर होती है जब हम इस बटन को क्लोज करते हैं। अब हमारे पास क्या हो रहा है, इस कैपेसिटर के अंदर चार्ज स्टोर होता जा रहा है। अब E बराबर है IR प्लस IC के अकॉर्डिंग टू किरचॉफ वोल्टेज लॉ, जितनी वोल्टेज ये सप्लाई कर रहा है उतनी ये दोनों यूज कर रहे हैं, IR और IC, VC। अच्छा, जो कैपेसिटर का फॉर्मूला होता है वो होता है Q इक्वल टू VC और V बराबर आ जाएगा Q बाई C के। अब जो जो चार्ज बढ़ता जाएगा, ये वाला Q चार्ज इसके अंदर स्टोर होना बढ़ता जाएगा, ये VC की वैल्यू बढ़ती जाएगी। अब VC की वैल्यू बढ़ती जाएगी, E कांस्टेंट वैल्यू है तो IR आपके पास ऑटोमेटिकली क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। IR क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। देखिए, अब R कांस्टेंट है, R अगर मेरे पास कांस्टेंट है तो लाजमी बात है I की वैल्यू डिक्रीज होगी। इसीलिए जब मेरे पास इस इक्वेशन से जब मुझे पता लग रहा है V is equal to IR plus Q by C, Q बढ़ता चला जा रहा है, Q के बढ़ने से VC की वैल्यू बढ़ती चली जा रही है, IR की वैल्यू उसी तरह डिक्रीज होगी क्योंकि E कांस्टेंट है। अब IR की वैल्यू डिक्रीज होने में या तो I डिक्रीज हो रहा होगा या R डिक्रीज हो रहा होगा।
आर कॉन्स्टेंट है तो इसका मतलब है ऑटोमेटिकली आपके पास क्या डिक्रीज हो रहा है, करंट क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 12, स्केच द ग्राफ ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अगेंस्ट फॉर द ए चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में हमारे पास ये एक्सपोनेंशियल ड्रॉप होता है, v इज इक्वल टू v नॉट, e इज इक्वल टू माइनस टी पावर टी डिवाइडेड बाय आर सी, वेयर आर सी आपके पास कहलाता है टाइम कॉन्स्टेंट। ये पेपर के अंदर पूछा जाता है व्हाट इज आर सी, तो आर सी आपके पास है टाइम कॉन्स्टेंट और आर सी बराबर होता है टी के, आर सी बराबर होता है आपके पास टी के, आर सी इक्वल टी। ये शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर भी पूछा जाता है प्रूफ दैट आर सी इज इक्वल टू टी, या वन ओहम मल्टीप्लाई बाय वन फैरेड इज इक्वल टू वन सेकेंड, ये इस तरह भी आता है। और हमारे पास चार्जिंग के अंदर यही आपके पास एक्सपोनेंशियल ग्राफ आता है लेकिन ऊपर की तरफ आता है और ये बराबर होता है v इक्वल टू v नॉट वन माइनस e पावर t माइनस t पाई आर सी के। अच्छा जी, कंपेयर द फॉर्मूला फॉर द कैपेसिटर इन सीरीज विद दोस ऑफ द रेजिस्टर इन सीरीज एंड पैरेलल, एक्सप्लेन व्हाई द पैटर्न इज डिफरेंट। अच्छा, सीरीज के अंदर हमारे पास आर इक्विवेलेंट जो रेजिस्टर का होता है वो एडिशन से आता है और कैपेसिटर के अंदर डिवीजन वाले एडिशन से आता है, वन ओवर सी वन, वन ओवर सी टू, वन ओवर सी थ्री। लेकिन पैरेलल जो रजिस्टर की होती है उसमें वन ओवर आर इक्विवेलेंट वन ओवर आर वन आर टू, लेकिन कैपेसिटर हमारे पास ऑटोमेटिकली सी इक्विवेलेंट सी वन सी टू सी थ्री आ जाता है, यानी सिंपल एडिशन। अब इन दोनों में फर्क इसलिए आ रहा है कि हमारे पास जो सी बराबर होता है वो क्यू बाय वी के बराबर होता है और आर बराबर होता है वी बाय आई के। क्योंकि दोनों के फॉर्मूले डिफरेंट है तो हमारे पास दोनों के जो फ्लो रेट्स आएंगे या जो दो वैल्यूज आएंगी वो दोनों की क्या आएंगी, डिफरेंट आएंगी। क्वेश्चन नंबर 14 जो चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाई कैपेसिटर आर ऑफ लिटिल यूज फॉर द स्टोरेज ऑफ एनर्जी फॉर नॉर्मल डोमेस्टिक पर्पस। इसको कैपेसिटर को ज्यादा यूज क्यों नहीं किया जाता, कैपेसिटर को ज्यादा यूज इसलिए नहीं किया जाता कि कैपेसिटर का जो एरिया होता है पर यूनिट एरिया जो एनर्जी स्टोर करता है वो बहुत स्मॉल होता है बैटरीज के निर्भर। दूसरा, ज्यादा एनर्जी आपके पास लॉस्ट होती है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के अंदर और इस वजह से हम इसके अंदर छोटे सर्किट्स के अंदर यानी जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं उसके अंदर कैपेसिटर यूज करते हैं। द कैपेसिटर प्रोसेस हाई सेल्फ डिस्चार्जिंग प्रॉपर्टी, इसकी जो डिस्चार्जिंग होती है वो बहुत तेज होती है, इसका जो डिस्चार्जिंग रेट होता है वो ऑर्डिनरी बैटरीज की निस्बत बहुत तेज होता है, इसलिए भी यूज नहीं किया जाता।